really not. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إحسانات خداوندی کا بدلہ انسان سجدے میں سر رکھ کے اس کا شکریہ ادا کر لے تو ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ انسان کس طرح ادا کرے؟ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا، میں نے گزشتہ جمعہ اس سے پیوستہ جمعہ اسی بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جو احسانات ہیں، انسانوں پر جو احسانات ہیں، ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہوں گے. اللہ کا تو آپ نے کہہ دیا کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو ہو گیا. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہیں گے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے سامنے تو ہم سجدہ ریز ہو گئے تو شکریہ ادا ہو گیا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو گئے تو شکریہ ادا ہو گیا؟ اس لیے کہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو کرنا جائز ہی نہیں، تو سجدہ ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کی تو تعریف و توصیف کر لیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا شکریہ ادا ہو ہی جائے گا.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का नारा लगाने से शुक्रिया अदा हो जाए? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने से शुक्रिया अदा हो जाएगा? बल्कि मेरे दोस्तों, अगर नाराज ना हो तो मैं तो बात कर देता हूँ कि आजकल तो हम दरूद भी हुजूर पर जो पढ़ते हैं, हम तो वजीफों के तौर पर पढ़ते हैं, इस दरूद पढ़ने से मुझे मिलेगा क्या? मेरी बीमारियां दूर होंगी, मेरे घर में पैसा आएगा, मेरी परेशानियां खत्म होंगी। हम तो दरूद इस घर से पढ़ते हैं। और कुछ लोग दरूद सिर्फ इस घर से पढ़ते हैं कि लाउड स्पीकर चल रहा है तो लाउड स्पीकर में पढ़ लूं ताकि गांव वाले सुन रहे। जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछे, जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो क्या ये अजानों से पहले दरूद होते थे मस्जिदों में? नहीं होते। आज भी जब बिजली नहीं होती तो कोई मुल्ला नहीं पढ़ता, सिर्फ लाउड स्पीकर में पढ़ा जाता। और कुछ लोग जो है वो सारे एक मजमा बनाकर जमा होकर खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, गाया जाता है दरूद व सलाम। क्या इन तरीकों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रिया अदा हो जाएगी? जो आपके एहसान वो नबी जो सारी जिंदगी उम्मत के लिए अल्लाह से दुआएं मांगता रहा, वो नबी जिस नबी को अल्लाह ने कहा कि हमने हर नबी को एक दुआ के बारे में कहा था कि आप मांगे हम फौरन कबूल करें। हर नबी ने दुआ हमने उसी वक्त कबूल की, आप भी कुछ मांग ले हम कबूल कर ले। फरमाया हम अभी नहीं मांगे, तेरी तरफ से कबूलियत का दावा है ना कि तू कबूल करेगा? करूंगा अल्लाह ने, हम अभी नहीं मांगते। मांग लो, नहीं मांगते कहा कब मांगो? कहा जब जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी? जिस दिन कयामत के दिन मेरी जहन्नम में जा रही होगी उस दिन अपनी उम्मत से ये दुआ, अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगो, इसलिए कि तेरी तरफ से कबूलियत का वादा तो हो गया। उस दिन मांगूंगा। और खुद ही फरमाए अर्शे खुदाबंदी के पाए को पकड़ कर कयामत के दिन इतना लंबा सजदा करूंगा कि कयामत के 3 दिन गुजर जाएंगे। जलाल जब रहमत में बदलेगा, अब अल्लाह कहेगा मांगो क्या मांगते हो, तो हम एक ही बात मांगेंगे, अल्लाह हमारी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर। उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाने। क्या हम उस नबी के हक अदा कर रहे हैं? क्या उन एहसानात का बदला हम दे पा रहे हैं? अगर हम इसी चीज को समझ लें तो इसी चीज का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और इसी चीज का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क है, और इसी चीज का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा। कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी, अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा को शर्त करार दिया। मैं दूसरे लफ्जों में जो समझाऊं तो अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरे तक आने का जो रास्ता है, मेरे तक आने का जो पता है, अपनी दुआओं के पहुंचाने का, या मेरे से कुछ मांगने का, या मेरे साथ मोहब्बत का, एक ही रास्ता है। और वो रास्ता है मान नहादा सिवा की उस वकी माफत तभी हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं, मेरा एक ही रास्ता है। मैंने गुज़श्ता जुमा इसी पे बात खत्म की थी कि एक ही सीधा रास्ता है जो हर नमाज की हर रकात में हम अल्लाह से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो सीधा रास्ता क्या है? खुद अल्लाह के पाक नबी अपनी जुबान से अल्लाह कहलवा रहे हैं कुरान में, वान हाजा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊ वला तत्तबिउ सुबुल फतहरक बिकुम अन सबीलिही। किसी का रास्ता यूं जाता है, किसी का यूं जाता है, फिर किसी के एक रास्ते से आगे 10 सड़कें निकल जाती हैं, 10 गलियां निकल जाती हैं, मेरा रास्ता यही है।